हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ फालूदा की रेसिपी। इसे बनाने के बाद आप कभी भी बाहर से फालूदा नहीं खाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पर मैं फुल फैट दूध ले रही हूँ और फुल फैट दूध में ही ये फालूदा बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। वैसे आप दूसरे दूध में भी बना सकते हैं, बट इसका रिज़ल्ट मुझे बेस्ट मिला है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर तक दूध ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी और इसको एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो देखिए, इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसमें थोड़े भी कच्चापन ना रह जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ फालूदा मिक्स, जो कि प्री मिक्स है। ये रेडीमेड मिल जाता है, इसका कुछ प्राइस है 30 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये 100 ग्राम्स है फालूदा मिक्स और इसे हम ऐड कर देंगे। इसमें शुगर, सब्ज़ा, सेवैयाँ और कस्टर्ड सारा कुछ ऐड होता है, तो इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैंने ऐड कर दिया है और इसे ऐड करने के बाद 15 से 20 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इस तरीके से लगातार चम्मच चलाते हुए। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये देख सकते हैं कि जो सेवई थी वो भी हमारी गल चुकी है अच्छी तरीके से, और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और ये गाढ़ा भी हो चुका है अच्छी तरीके से। तो यही रिज़ल्ट हमें चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसको हम कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा। ये अब एकदम ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो इसके किनारे वगैरह है बिल्कुल इसको निकाल देंगे हम और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे बर्तन में और इसको हम रख देंगे फ्रिज में ताकि एकदम ठंडा हो जाए। आप चाहे तो इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी ठंडा ये हो जाता है तब ये इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये एकदम ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम कर लेंगे इसको सर्व। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एकदम जिस तरह से फालूदा होता है उसी तरह का ये एकदम टेक्सचर मिल्की आ चुका है। तो अब हम सर्व कर लेंगे इसे ग्लास में। तो ग्लास में मैंने ऐड कर दिया है रूअफ़ज़ा सिरप, जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल है, और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच सब्ज़ा ऐड कर दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है बस उसको बारीक बारीक चॉप करना है और ऐड करना है। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, नटी फ्लेवर आ जाएगा आपके फालूदा में। तो हम फालूदा ऐड कर देंगे, एक एक ग्लास में ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो रूअफ़ज़ा सिरप को अवॉइड करिएगा या फिर उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा। और मैंने देखिए फालूदा ऐड कर दिया है, सर्व कर दिया है। तो अब हम इसको गार्निश कर देंगे ऊपर से, जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे उसे हम ऐड कर दिया है। इसमें मैंने पिस्ता, काजू, आमंड और मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। तो लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा फालूदा और इसका टेस्ट भी एकदम अमेजिंग है फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।